शुभनाथ नदी के पुराने पुल से गिरी गाड़ी को एसडीआरएफ की टीम ने निकाल लिया है, जिसमें एक पुरुष और एक महिला और दो बच्चों की लाश भी बरामद की गई है। पुलिस ने पुरुष की पहचान ललित साहू के रूप में की है और बोरसी का रहने वाला वो पुरुष बताया जा रहा है। एसडीआरएफ के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट नागेंद्र कुमार ने बताया कि कल रात कार नदी में गिरने से बड़ा हादसा हो गया था। जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम सुबह होते ही नदी में पहुंची और सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। रात में पौने बजे के आसपास की ये घटना है। लगाएगा क्या एक मिनट रुक जा, जो है नादनों की तरफ चला लगाएगा तो आवाज के लिए। लगभग पौने एक बजे के आसपास की घटना है। एक बोलेरो नुमा डिग्गी वाली कार जो है नादगांव की तरफ से आ रही थी और रात में एक बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि एक कार जो है शिवनाथ नदी में गिर गई है। रात में हमने अपनी तैयारी कर ली थी। 4 बजे के आसपास हम सर्चिंग के लिए रवाना हुए। 5 बजे के आसपास हमने सर्चिंग शुरू कर दी। 6 बजे के आसपास गाड़ी को हमने बरामद कर लिया था। उसके बाद धीरे धीरे हम किनारे पर लेके आए और हाइड्रा की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला। उसमें 400 बरामद हुए हैं, जिसमें एक ललित साहू करके बोरसी के रहने वाले हैं, 2 बच्चियां हैं उनकी और एक महिला है जो अज्ञात हैं। उनके बारे में अभी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है कि कौन है जी। जो मृतक है क्या करते थे? मृतक BSP में बताया जा रहा है कि उनके ठेकेदारी के लिए वो गाड़ी चलाते थे।